भाई जल्दी आओ। वी आर रेडी फॉर द केक। काहे केक? अरे क्या हुआ? केक काट क्या है ये? क्या है? नहीं मैं बात कर रहा हूँ, तुम ब्लॉग में ले लो। चलो अपना अपना बता दे। काटा इन लोगों ने और पूरी डेकोरेशन खाली गई थी। बहुत टेस्टी यार, मेरे में तो क्रीम क्रीम आ गई यार, हादसा हो गया। क्या जनता जानना चाहती है? लड़की किससे बात कर रही है? क्या वो अपने पति से? वो खा लेंगे केक को, खा लेंगे। अकेले खा रही हूँ, मुझे भी ले लो। खा लूंगा मैं खा लूंगा। हम डेकोरेशन खा रहे हैं। मैं खा लूंगा भी। बहुत टेस्टी है। चिचे अबे लोगों को चढ़ा दी। लोग ये हम अपने गेट पर लगाएंगे हैप्पी न्यू ईयर। लोग चिढ़ाई होंगे, हमें भी खाना है। शुभ शर्मा पकड़े गया। हाय गाइस, अब बज चुके हैं शाम के 6 और हैप्पी न्यू ईयर सभी को मेरी तरफ से। ये हम नई कैप लेकर आए हैं ना शुभ, अच्छी लग रही है ना? ये हैप्पी न्यू ईयर कैप है। आप सब लोग भी, अगर आप में से किसी को चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सब लोग वहीं से ले लीजिएगा। देख दिखाती हूँ। हाय कैसी हैं आप? बढ़िया। आप लोग सोच रहे होंगे ये सब मैस कैसा हो रहा है, ये न्यू ईयर में हमने मैस करा है। ओ भाई रुक जाओ, एक क्वेश्चन है, अगर हम पूरी साल ऐसा रखेंगे तो फिर हमारा साल अच्छा जाएगा। ये सब हमारा गुड लक है इसलिए। ये मुझे भी दे दो और जल्दी। तो मैं कितने बजे सोई थी? 2:30। मैं 2:30 पे सोई थी, छोले भटूरे खा के। तो इतनी हंसी क्यों आ रही थी? और मैं कितने बजे उठने वाली थी शुभ? मैंने कितने बजे कहा था उठा दियो? 3:15 और अब मैं उठी हूँ ऑलमोस्ट 6:15 पे। देख लो आप कितनी कड़ी डेडिकेशन है। जितने बजे की कहती थी उतने बजे उठ रही हूँ। खुद 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 करना जरूरी है। हमने कहीं ना 6 बज रहे हैं। हाँ तो 6 बज के 8 मिनट नहीं हो गए अब? और आपने भी 6:15 पर उठी। और ये कुरकुरे का पैकेट देख रहे हो, ये किसने खत्म किया है? मैं नहीं, मैं तो खाता नहीं हूँ। मेरा तो ये लास्ट बाइट है, देखो ये लास्ट बाइट, देखो ये लास्ट बाइट है मेरा। और उठते उठते इसने मुझे खिला दिए कुरकुरे। और अब दीदी चाय बनाने गई थी तो क्या हुआ फिर? टेस्टी है। और बड़ा मैंने शुभ ने क्या किया यार? ले अच्छा मुझे लगा रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही। और मैंने और शुभ ने पता क्या किया? हमने केक काटा। मैं बताती हूँ, हम लोग ना शाम में केक लेकर आए। आने का बता दी हूँ। जल्दी बना, जल्दी बना, जल्दी बना, जल्दी बन रही है। वो कितना डालू? बस बस डीप फ्रीज से निकाला है शर्मा बेगम ने। क्या खा रहा है ये बता दे बस। खटाई? इतनी खटाई खा रहा है? क्या नहीं बोलेगा? कुछ भी नहीं बोलूंगा। ठीक है देखते हैं कब तक नहीं बोलेगा, हम यहीं बैठे हैं। और शुभ कैसे हो भैया? तुम भैया कहते हो ओली को निकालना, फिर देख लो शुभ को। क्यों शुभ निकाल दो ओली को, मिठाई लग गया।
काजू बदली है इसमें खाओगे बोलेगा नहीं अब कुछ इसको मारूंगी बताऊंगी चलो आइडिया ले चलो तो सही ना अब चलना क्या है तुम पहले आइडिया रात को क्या बनेगा चलो चलो तो सही ना किन से पूछेंगे दुकान वाले आज क्या बना आइडिया तो उन्हीं से लेते हैं ना चलो आज कहाँ से लाए आप इतना सुंदर कैप आपके पास से चलो इस पे आपने एक चीज नहीं लगा रखी दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज अरे हाँ दे दो 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 मैं लगा देती हूँ इधर ठंडा ठंडा लग रहा है इधर हैप्पी न्यू ईयर शो हैप्पी न्यू ईयर आपका मुंह नहीं आप बोल नहीं पाते इसलिए आप इसको लगा के रखते हैं कोई बोलेगा हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर शो ऐसे करूंगी मैं कल जाके अपने वहां देख मिल गया अभी नॉर्मल थी उसने देखा कैमरा देख कैसे हो गए देख देख है ना तो जनता ये जानना चाहती है आप सब लोगों से कि आप लोगों ने रात में केक क्यों नहीं काटा रात में केक नहीं काटा क्योंकि सिचा बुआ को सबसे ज्यादा नींद आ रही थी इसीलिए नहीं काटा और आप सो गई थी सिचा बुआ तो जगी रहा था मैं तो फोन चला रहा था नींद सिचा बुआ को आ रही थी और सो मिलकी बुआ गई थी हाँ सिचा बुआ को नींद गई थी रात में बहुत ज्यादा थक गए थे केक लेके आए और बहुत शॉपिंग पर हम केक लेने कितने एक्साइटमेंट में गए थे कि टैलेंट होता है ये आप ऐसा कर सकते हैं क्या आप कर सकते हैं ऐसा करके दिखाइए नहीं ये हर कोई नहीं कर पाता ये कह के कितने बजे की सोया फिर उठे उसके जस्ट डबल सही कहा डबल सही एकदम ट्रिपल 315 का 415 515 615 ट्रिपल डबल नहीं भाई मैं हूँ क्रोकोडाइल मेरा पछता तभी है जब मैं अच्छे से प्रॉपरली पूरा खा लेती हूँ उसके बाद फिर जब सो लेती हूँ तभी और आज ऐसे डिसाइड हुआ था कि मैं खाऊंगी 13 भटूरे और एक और चीज रह गई गाइस ये जो आप लोग देख रहे हैं ना ये केक के साथ आया था हैप्पी न्यू नहीं और ये मार्केट से खरीदा है हाँ। ये मार्केट से खरीदा है ये हमने ऑनलाइन मंगाया है पूरे टाइम ये लड़की अपने यहाँ पे लगा के हैप्पी न्यू ईयर ऐसे ही बैठी रही पूरे टाइम और कल इसका प्लान है कल जब ये जाएगी तो ये अपने सर पे लगा के जाएगी और हमारी बैट लगी है देखते है अच्छा अगर मैं जीत तो क्या दोगे आप तो जो तू बोले तो गाजर का हलवा नहीं चल मैं तुझे मक्खन खिलाऊं जो कि तो बहुत बुरा लगता है नहीं नहीं होती तो क्या हैप्पी न्यू ईयर के अगर दो होते तो दो लगा लेते नहीं एक मैं यहां लगा लेती है क्या लगा लेती नहीं एक आगे एक पीछे दोनों तरफ रखना चाहिए कोई पीछे वाले को भी तो हैप्पी न्यू ईयर कहना पड़ेगा आज अब मैंने कितने खा लिए दीदी भटूरे आज 6 नहीं अभी भी तो खाए 6:30 7 है ना अभी मेरे बच्चे 8 9 10 11 12 13 अभी 12 नहीं बजे मेरे 6 भटूरे बच्चे और बच्चे का और खा लिया ये हम काट देंगे नहीं ये हम काट देंगे क्योंकि एडिट तो हम ही करेंगे तो ये तो हमें काटना पड़ेगा ये तो हम इसी के साथ में सोच रही हूँ आज का ब्लॉग वैसे इतना ज्यादा हो नहीं पाया और हाँ आप लोगों से मैं मिल रही हूँ एटलीस्ट 1.5 या 2 महीने के बाद मतलब मुझे याद भी नहीं क्योंकि हम ना नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू था जो मेरा फोन था ना मतलब फोन नहीं था मेरी जो सिम थी वो थी आइडिया की और यहाँ आइडिया के नेटवर्क बिल्कुल भी अच्छे नहीं आते मतलब बिल्कुल भी तो मुझे अपनी जियो में कन्वर्ट करानी पड़ी है लास्ट मेरा ब्लॉग गया था लॉइन सफारी वाला वो भी 4 आ जा वो भी ना 4-5 दिन में एक्चुअली अपलोड हो पाया था इसलिए मैंने अपनी सिम पोर्ट करा ली है ये देखिए कि हमने ना अपने पड़ोसी के घर में जाने के लिए रास्ता बना रहे हैं हम
हम अपने पड़ोसी के घर में पहुंच जाएंगे तो आप लोगों को भी मिलवाएंगे वहाँ, है ना शुभ? क्या अपने पड़ोसी के घर में जा रहे हैं ना हम यहाँ से? हाँ। और तोड़ो तो क्या कहता मैं? अच्छा तो अब मैंने अपनी सिम जो है वो पोर्ट करा ली है जियो में, तो अब मैं आप लोगों से डेली मिल पाऊंगी। डेली तो नहीं क्योंकि ये वाला व्लॉग भी मुझे लगता है शायद 2 दिन में अपलोड हो पाएगा, देखते हैं अब कितने दिन में होता है, पर कोशिश करूंगी कि मैं आपसे एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार तो मिल ही लूँ। बाकी देखते हैं भगवान की क्या मर्जी होगी, क्या कहते हैं भगवान जी हमसे। वैसे भगवान जी तो कह रहे हैं बेटा चाचा रोज मिल लो, कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? वही तो किसके ग्लव्स पहन रहे? मेरे। तू क्या हो गया? तू लड़की है? एक बार क्या हुआ, बेचारा शुभ अपनी स्लीपर ढूंढ रहा था पूरे घर में। क्या हुआ था शुभ? फिर बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, बहुत ऐसे नहीं ऐसे नहीं, बहुत डांट पड़ी बेचारे की, बेड के नीचे ढूंढ, बेड के नीचे ढूंढ, बेड के नीचे ढूंढ, वही होंगी, ढूंढता नहीं है, ढूंढता नहीं है। फिर क्या हुआ? और मिल्की बुआ भी कह रही इससे कि ढूंढ बेड के नीचे ढूंढ, वही चिल्ला रही। और फिर उन्होंने सोचा कि बेचारा इतना ढूंढ रहा है तो जरा मैं अपने पैरों में और देख लूं। भाई देखा तो भाई स्लीपर्स बेचारे की कहां, मिल्की बुआ के पैरों में। तो अब बेचारा इसलिए ऐसी बदला लेता है, उनके ग्लव्स पहन लेता है, उनकी कैप पहन लेता है ना बेटी। तो चलिए इसी के साथ हम आप लोगों से क्या करते हैं, बाल चुभ रहे हैं, बाय बाय। सच में चुभ रहे थे बाल? चलो अब नहीं चुभेंगे। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से करती हूँ बाय बाय, आपको मिलती हूँ एक नए वाले ब्लॉग के साथ। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, डिसलाइक, लाइक, लाइक। ये लड़का है ही नहीं किसी चीज के लायक। अब तो गया बेटा, अब तो खाइयो कुरकुरे, अब तो कुरकुरे खाइयो। और कल वाली मैं शर्ट जीतूंगी तो गोलगप्पे खाने जाइयो मेरे साथ, जाइयो तुम, तब देखती हूँ मैं तुझे मैं भेजूंगी, नहीं देखियो अब वाली वीडियो लगा दो उसमें कमर तेरी लेफ्ट राइट हाले। कौन सी? अभी मैंने और शुभ ने एक परफॉर्मेंस दी थी, ठीक है वो लगा दूंगी। तो गाइस इसी के साथ मैं अपना एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा व्लॉगिंग एंड करती हूँ, आप लोगों को मिलते हैं नए वाले व्लॉग के साथ, जब तक के लिए टाटा, स्वस्थ रहो। मैं नहीं बता, अब मैं बोलूँ ना स्वस्थ रहो तो ऐसे बोलना मस्त रहो, कैसे बोलना मस्त रहो। आप लोगों को मिलती हूँ अपने नए वाले ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए टाटा, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। इधर देख के बोलने बोलो, इधर बैठे मुझसे नहीं बोलना, अब बोल चलो, मस्त रहो, पूरा बोल, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। स्पीच दे रहा तो कैसा बोलना, सिर्फ सही से बोल, कैमरा बंद है, चल अच्छा, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, कैमरा बंद है, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, कैमरा तो बंद है, इधर तो देख, तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अब ठीक है, ठीक चलो टाटा।